हुजूर, मैंने चोरी की, मगर मेरी भांजी भूख से बिलबिला रही थी, मेरी बहन बीमारी में तड़प रही थी, मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक न थी। मैंने मजूरी मांगी, किसी ने मुझे मजूरी नहीं दी। मैंने उधार मांगा, किसी ने मुझे उधार नहीं दिया। मैंने भीख के लिए भी अपने हाथ फैलाए, मगर किसी के दिल में दया न जागी। और तब मेरा दिल मेरे काबू में न रहा। तुमने चोरी की है और वो तुम अपने मुंह से मान चुके, इसलिए अदालत तुम्हें 2 साल कैद सख्त की सजा देती है। है लड़की, शोर ना मचा, धीरे बोल। मामा, माँ तो कल से आंखें भी नहीं खोलती, न बोलती, न पानी मांगती है। पानी का घड़ा भी टूट गया है और कुप्पी में तेल भी नहीं रहा। मामा, तुम यहाँ क्या करो? घर चलो ना। रो ना बेटी, बहादुर बच्चे रोया नहीं करते। जा, तू घर जा, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। सच? हाँ, और जब मैं आऊंगा तो नया घड़ा भी आ जाएगा, कुप्पी के लिए तेल भी आ जाएगा, तेरी माँ के लिए दवाई भी आ जाएगी। फिर तो मौज हो जाएगी। हाँ, जरूर हो जाएगी। भाग भाग जा।
मांगती है। माँ तो कल से आंखें भी नहीं खोलती, न बोलती है न पानी मांगती है। बेहद खतरनाक कैदी हो, तुमने भागने की कोशिश की है, 5 साल कैद। और तुमने वार्डर पर हमला किया है, तुमने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की है, तुम्हारे जैसे कैदी को बेड़ियों में जकड़ कर रखना चाहिए, 7 साल कैद और कुल 14 साल। यार आज तू ना होता तो भीकू की जिंदगी खत्म थी। अरे खत्म कैसे थी भाई, बचाने वाले के ढंग न्यारे हैं। शायद भगवान ने कुंदन को इसीलिए जेल में भेजा था। जय बात है जय। चलो यहाँ से अपनी अपनी जगह और अपना अपना काम शुरू करो। कुंदन हम खुश हैं कि तुमने अपना फर्ज पूरा किया। पत्थर तोड़ते, बोझा ढोते और चक्की पीसते कुंदन की सजा के 12 साल बीत गए। लेकिन इस 12 साल के लंबे अरसे में एक भी दिन ऐसा न बीता जब उसके दिल को उसकी भांजी राधा की याद में न तड़पाया हो। वो हर वक्त यही सोचता था कि अब वो कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या करती होगी। के तारे दिल के सहारे, मैं तेरे सदके, मैं तेरे सदके, मैं तेरे सदके, मैं तेरे सदके। मेरी आँखों के तारे दिल के सहारे, मैं तेरे सदके, तेरे सदके, मैं तेरे सदके।
के तारे दिल के सहारे, मैं तेरे सदके, मैं तेरे सदके, मैं तेरे सदके, मैं तेरे सदके। जब तक अपनी राधा को खूब इंतजार न करा लोगे कभी घर न लौटोगे। मेरी जान, इसलिए मैं तुझको खफा करता हूँ कि मुझे तेरे मनाने में मजा आता है। ये देखो ये क्या है, ऐसे सुंदर तो परियों की रानी भी ना होगी। चलो हटो, तुम तो हमेशा मुझे बनाते ही रहे। हाय राम, कहते हैं तस्वीर टूटती है तो तकदीर फूटती है। ये सब तुम्हारा वहम है। अरे वो बाबा आपको घर में है? ठहरो भाई, आते हैं। तुम उदास ना हो और जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा बालम तुम्हें भोला शिकार नाटक दिखाने ले जाएगा। बहुत खूब, लेकिन सब बातें अच्छी तरह समझा दी हैं? खूब अच्छी तरह। अब मैं तुम्हारा इंतजार उसी दिलफरेब नाजुक अदा बर्फी जान क्या करूंगा। हाँ तो अब शुरू हो जाए अपना नाटक भोला शिकार। देखो गोपाल बाबू, इतने तैश में ना आओ वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ बड़े नाक वाले हो तो रख दो ना रुपए, हम अभी चले जाएंगे। अरे वाह, 10,000 की रकम दबा के बैठ गए और मांगने आते हैं तो आंखें दिखाते हो। मगर मैं आज रुपये लिए बिना नहीं चलूंगा, देखते नहीं पुलिस लाया हूँ अपने साथ। मगर सेठ जी जरा आहिस्ता बोलो ना। आहिस्ता क्यों आहिस्ता बोलूं, कोई चोरी की है तुम्हारी? अरे रुपए दिए हैं रुपए, और वो भी नगद। तो मैं कब इनकार करता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो अपना सामान भेजो, अपनी पति का जेवर भेजो। क्यों कैसे नहीं? देखो सेठ जी, साफ साफ कह देता हूँ, मेरे लिए जो कुछ मर्जी कहना, लेकिन आइंदा अगर मेरी पत्नी का नाम लिया तो सर तोड़ दूंगा। अरे जहाँ बहुत देखे तुम्हारे जैसे सर तोड़ने वाले, इस वक्त तो मैंने सिर्फ तुम्हारी पत्नी के जेवर का नाम लिया है, लेकिन अगर रुपए नहीं मिले लिया पत्नी का नाम। ये मेरे जेवरात, आप अपना रुपया वसूल कर लीजिए, लेकिन इन्हें कुछ न कहिए। इस बेईमान लुटेरे को कहां दे रही? चल सेठ के बच्चे, जब मेरा दाव आएगा मैं तुझसे समझ लूंगा। समझ लेना, समझ लेना, समझ लूंगा के बच्चे, अभी तो चल। हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम, जो दिल चाहे मांग लो हमसे, सब कुछ है भगवान कसम, भगवान कसम। आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम, जो दिल चाहे मांग लो हमसे, सब कुछ है भगवान कसम, भगवान कसम। आओ हमारे होटल में गर्मी हो तो शरबत पी कर, कर लो दिल को ठंडा, ओ लाला कर लो दिल को ठंडा। हो गर्मी हो तो शरबत पी कर, कर लो दिल को ठंडा। सर्दी हो तो खा लो भैया एक मुर्गी का अंडा, सर्दी हो तो खा लो भैया एक मुर्गी का अंडा। अंदर आकर ले लो बाबू नया जन्म, ले लो बाबू नया जन्म। आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम, जो दिल चाहे मांग लो हमसे, सब कुछ है भगवान कसम, भगवान कसम। आओ हमारे होटल में बनेगी हम दोनों की, पूछो जी वो कैसे, ओ गाहक पूछो जी वो कैसे। ओ, 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 ओ बात बनेगी हम दोनों की, पूछो जी वो कैसे। तुम होठों में चमचा रखो हम पाकिट में पैसे, तुम होठों में चमचा रखो हम पाकिट में पैसे।
कदमों पर पैसा बरसे दुनिया चूमे वही कदम, दुनिया चूमे वही कदम। आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम, जो दिल चाहे मांग लो हमसे, सब कुछ है भगवान कसम भगवान कसम। आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम, जो दिल चाहे मांग लो हमसे, सब कुछ है भगवान कसम भगवान कसम। आओ हमारे होटल में। नंबर 335, आज तुम्हारी मियाद पूरी हो गई, आज तुम्हें रहा कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि आज से एक बरस तक तुम्हें करीबी पुलिस थाने में हर रोज हाजिरी देनी होगी, दूसरे साल महीने में एक बार, उसके बाद साल में एक बार। और ये ना भूलना, अगर तुम एक बार भी थाने में हाजिरी देने से चूके तो कानून तुम्हें फिर पकड़ लेगा। अब तुम जा सकते हो। बाबूजी, यहाँ एक आदमी कुंदन नाम का रहता था। कुंदन? कुंदन? हाँ हाँ, वो तो जेल में है कई सालों से। और उसकी एक बहन थी, वो तो कभी की मर गई। और मर क्या गई? छूट गई। और बाबूजी, उसकी जो भांजी थी? ये हम नहीं जानते, मगर तुम कौन हो? मैं उनका एक रिश्तेदार हूँ। वो तुम कुंदन हो? कुंदन? कुंदन कैदी? कुंदन छोड़। अरे सुनो, आज यहाँ एक खतरनाक कैदी जेल से छूट कर आया है, जरूर उधर ना निकलना गहने पहनकर। हाँ, तुमने सुना, आज एक डाकू जेल से भाग कर आया है। है? डाकू? बच के रहना बाबा जी, आज यहाँ खूनी आया जो कई खून कर चुका है, कई डाके मार चुका है। दादा, राधा तू कहाँ है? अरे रसना, क्या सारा दिन खेलेगी? चल, रोटी का समय निकला जा रहा है। क्या ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं बहन? एक मेरा है, रत्ना नाम है, दूसरा एक अमीर का है। उसकी महेरिया मर गई थी, एक महीने के लिए मेरे पास छोड़ गया, बड़ा खुश रखा मैंने उसे। मगर तू क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि अगर तुम मेरी बेटी को अपने पास रख लो तो मैं बेफिक्री से नौकरी कर सकूं। क्यों? इसके बाप को क्या हुआ जो तू जवान जहान होकर नौकरी करे? भगवान जाने क्या हुआ कि एक दिन मेरे सारे कपड़े गहने रुपया पैसा लेकर कहीं चलता बना, मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला गया। 2 साल हो गए बहन, कोई पता नहीं। भगवान की फिटकार, इन मर्दों की जात ही ऐसी है। और सुखिया ये औरतों की जात कैसी होती है? ये मेरा खत्म जोखू है, ये जोखू लाखों में एक है। मैं गरीब और दुखिया हूँ बहन, तुम मेरी बच्ची को भी अपने पास रख लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। सुखिया कर दे मेहरबानगी, ये भी क्या याद करेगी? अरे मैं तो मेहरबानगी कर ही दूंगी, मगर ये भी तो मालूम हो कि ये क्या मेहरबानगी करेगी हम पर। हर महीने 15 रुपए भेज दिया करूंगी। 15 रुपए? माफ करो, 15 रुपए में तो कुत्ते का बच्चा भी नहीं पल सकता। तो 20 रुपए दे दिया करूंगी। ना बाबा ना, इतने में भी काम ना बनेगा, फिर तो मेरे लिए मुश्किल है। छे 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 छे, आज तू बड़ी सखत दिल हो गई है सुखिया, जो एक गरीब लड़की की मदद नहीं करती। छी 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 छी, चल मान जा मान जा, 20 तो 20 ही सही, अगर 2-4 रुपए ज्यादा खर्च हो गए महीने भर में तो क्या है, ये चपत मैं खा लूंगा, चल मान जा। अच्छा तो फिर ठेका हो गया। हाँ। भगवान तुम्हारा भला करे, मगर बीमारी और कपड़े के पैसे अलग होंगे। अच्छा। हाँ। और 3 महीने की पेशगी। और सलामी? सलामी जो इसकी मर्जी में आए दे दे। 5 रुपए सलामी की भी दे दूंगी। सिर्फ 5? वो अमीर तो 100 दे गया था। चल नौमन लोहा फीमी सही। हाँ। ये मेरे बुंदे,
100 में बने थे। मगर मुझे तो ये सोना खरा नजर नहीं आ रहा, ये तो शायद 60 में भी ना बिके। सुखिया, तुम्हारी सलामी के रुपए रह गए। 5 रुपए सलामी के लिए। चल अब इसे आशीर्वाद दे दे, ये भी क्या याद करेगी। आशीर्वाद तो मैं जब भी देती जब ये ठिकाना होता। क्या नाम है तेरा? राधा। और बच्ची का? बच्ची का नाम उमा। जीती रहे राधा, जीती रहे तेरी उम्मीद। जा अब उसे प्यार कर ले और उसके हाथ में 10-20 रुपए देती जा। नहीं नहीं, मैं उसे प्यार करने जाऊंगी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, और अब मेरे पास है क्या जो मैं उसे दूं। छी, बच्ची के हाथ पर एक पैसा भी रख करने गई, कितनी निर्मोही औरत है ये। चला खाना, खाना लो खाना। खाना ले जा वापस, तुम्हें खाना नहीं मिल सकेगा। क्यों? मेरे पास पैसे हैं। जेल की कमाई के पैसे। चल भाग यहां से, जाता है कि नहीं? भाई साहब, ओ भाई साहब, मैंने नहीं पहचाना तुम मेरे कौन से भाई हो। मैं भूखा हूं और थका हुआ, रात काटने को थोड़ी सी जगह मिल जाए। यह सराय नहीं है। अच्छा तो एक कटोरा पानी का ही पिला दो। बरखा होने वाली है, पानी बहुत मिलेगा। दुनिया के पास न खाना है न जगह है न दो मीठे लफ्ज है, वो अगर यहाँ बैठ कर भीगता है तो तुम्हें क्या? इतना न करो भाई, लेकिन तुम किसी सराय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? मैंने कई दरवाजे खटखटाए, मगर अब तुम मेरा सर न खाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या तुमने वो सामने वाला दरवाजा भी खटखटाया? नहीं। तो अब जाकर उसे खटखटाओ, वहाँ तुम्हें जरूर जगह मिल जाएगी। भैया आपने कुछ सुना खुबिया क्या कह रही है? कुछ बातें होती होती मेरे कानों तक पहुंची तो है। क्या बात है खुबिया? महाराज बहन जी कैसी हैं? मैं तो भैया जो करते हैं उसे ठीक ही समझती हूँ। अच्छा मालकिन मैं कहती हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं कि दरवाजा हर वक्त खुला रहे। सुना है एक बड़ा भयानक कैदी जेल से छूट कर आया है और किसी शिकार की तलाश में। अंदर चले आओ भाई, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं एक कैदी हूँ। 14 साल तक जेल काटने के बाद आज 2 दिन हुए जेल से छूट कर आया हूँ। 2 दिन तक मैंने न कुछ खाया है न आग झपकी है। मैंने कई दरवाजे खटखटाए मगर किसी ने मेरे लिए अपना दरवाजा नहीं खोला, यहाँ तक कि मुझे कुत्ते के साथ रहने की भी इजाजत नहीं मिली। अब बताओ तुम भी मुझे यहाँ आसरा दे रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो ना कह दो, मैं दूसरा लव सुनने से पहले ही यहाँ से लौट जाऊंगा। आप अंदर तो आ जाइए। आप? तुमने मुझे आप कहा?
लेकिन दुनिया तो मुझे तू कहकर पुकारती है। मालूम होता है समाज ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। समाज कभी कभी अंधा भी हो जाता है। आइए। इस आग के पास बैठ जाइए, आप बहुत थके हुए हैं। खूबिया, तुम रसोइये से जाकर कहो आज हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं, वो भी हमारे ही साथ खाएंगे। आज एक थाल और परोसे। खूबिया, आज तुमने चांदी के थाल क्यों नहीं निकाले? हमारे घर मेहमान आए हैं, इन्हें मेहमानों की तरह भोजन कराओ। मेहमान आया भगवान आया। और मेहमान के स्वागत में तुमने चांदी के दीपदान भी नहीं जलाए। आज तुम्हें क्या हो गया है खूबिया? इनके लिए मेरे साथ वाले कमरे में बिस्तरा भी लगा दो। नहीं, मेरे लिए कमरे की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके वहां कोई तवेला हो तो मैं वहीं सो रहूंगा। तवेले में आदमी नहीं सोते, जानवर सोते हैं। लेकिन दुनिया ने तो मुझे जानवर ही समझा है। जो आदमी को जानवर समझता है वो आप जानवर है। आइए, मैं आपको कमरे तक पहुंचा दूं। इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि फिर आप इसकी चिंता न करें। 14 साल तक पत्थर पर सोता रहा है। अच्छा, अब आप आराम कीजिए। जरा सुनिए, आपको यह कैसे यकीन है कि रात के अंधेरे में मैं आपकी गर्दन न मरोड़ दूंगा? उसी तरह जैसे आपको यकीन है कि मैं आपकी गर्दन नहीं मरोड़ दूंगा। याद रखना मेरे भाई, जिंदगी देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। क्या बात है खूबिया, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? जो ऐरा गहरा नत्थु खहराता है आप उसे सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। अब देख लीजिए, रात आपने जिस लुचे लफंगे को आश्रय दिया था वो चांदी के सारे बर्तन लेकर चलता बना। हमारा काम चांदी के बर्तनों बिना भी तो चल सकता है। जो ले गया है शायद उसकी जरूरत हमारी जरूरत से बड़ी हो। चले आओ भाई। आप मेरे भाई, आप, बड़ा आनंद हुआ आपको फिर देखकर। लेकिन आप लोग इन्हें पकड़कर क्यों लाए हैं? इसके पास से चांदी के बर्तन निकले। ये कहता है ये बर्तन इन्हें मैंने दिए हैं। जी हाँ। आप ये चांदी के दीपदान क्यों नहीं ले गए? ये भी तो आप ही के हैं। तो इसने चोरी नहीं की, हमें अफसोस है, हमसे भूल हुई। कर्मों का
वो है भेदी, ले उसको पहचान। कर पाप दुनिया में नादान बन के, ना कर पाप दुनिया में नादान बन के, दिखा दे जमाने को इंसान बन के, दिखा दे जमाने को इंसान बन के, इंसान बन के, ना कर पाप दुनिया में नादान बन के। उठ के जीवन का नक्शा बदल दे, जरा उठ के जीवन का नक्शा बदल दे, है मंजिल की हसरत तो रास्ता बदल दे, तो रास्ता बदल दे, तो रास्ता बदल दे, चला चल भलाई का तूफान बनके, चला चल भलाई का तूफान बनके, तूफान बनके, ना कर पाप दुनिया में नादान बनके, ना कर पाप दुनिया में नादान बनके। कब तक भला तू, कब तक भला हाथ मलता रहेगा, ये किस्मत का चक्कर तो चलता रहेगा, ये किस्मत का चक्कर तो चलता रहेगा, मिटा दे गरीबी को बलवान बनके, बलवान बनके, ना कर पाप दुनिया में नादान बनके। क्या देखते हो चौधरी? देख रहा हूँ पैरों से रौंदी और मसली हुई मिट्टी से भी कितनी खूबसूरत चीजें बन सकती हैं। बात तो बहुत दूर की सोची तुमने, मुसाफिर जान पड़ते हो। हाँ, लेकिन तुम लोगों की मेहरबानी हो जाए तो मैं यहीं बस जाऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी यही काम शुरू करना चाहता हूँ। तो फिर यही जगह खरीद लो ना, मैं बेचना चाहता हूँ। यहाँ पानी भी नजीक है, मिट्टी भी नजीक है और शहर भी नजीक है। मगर इतना सोच लो, तुम्हारी गांठ में पैसा है? पैसा तो है। ये जगह तुम्हारी है। दीन दयाल क्रॉकरी वर्क्स, दीन दयाल सेवा आश्रम, दीन दयाल अनाथ आश्रम, दीन दयाल हाई स्कूल, दीन दयाल हॉस्पिटल। पंडित जी,
इन 5 वर्षों में हमारे कस्बे की तो मानो काया पलट ही हो गई। इसमें क्या संदेह है, मेरे बेटे को पढ़ने के लिए हर रोज 10 मील पैदल चलना पड़ता था। सारे कस्बे में एक भी अच्छी डिस्पेंसरी नहीं थी। इसमें क्या संदेह है, दीनदयाल अस्पताल ने हजारों जीवन बचाए होंगे। जी हाँ, मगर बेवा औरतों और यतीम बच्चों के लिए तो दीनदयाल जी किसी देवता से कम नहीं। आज लोग मुझे देवता और धर्मात्मा समझते हैं, लेकिन ये आप ही की दया का फल है गुरुदेव, जो ये कैदी कुंदन आज सेठ दीनदयाल बन गया। नमस्ते सेठ दीनदयाल जी। नमस्ते दीनदयाल जी। नमस्ते नमस्ते, तशरीफ रखिए, फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जी, हम सब एक प्रार्थना लेकर आए। फरमाइए। आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे कस्बे को शहर का दर्जा मिल चुका है और अब हमारे पहले मेयर का चुनाव होने वाला है, और हम सब की हार्दिक इच्छा है कि शहर के पहले मेयर की गद्दी आप ही सुशोभित करें। बात यह है कि ओहदा बड़ी जिम्मेदारी का है, शायद मैं इसके लिए ज्यादा वक्त या तवज्जो न दे सकूं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। हम बड़ी आशा लेकर आए। ये सिर्फ हमारी ही नहीं, सारे शहर की आशा है। मुझे यकीन है कि आप हम सबको निराश नहीं लौटाएंगे। अब तो आप मान ही जाइए, कर दीजिए दस्तखत। तो तुम्हारी भी यही राय है। इसमें क्या संदेह है। मेयर के साथ मजिस्ट्रेट के अख्तियारात, ये तो बहुत बड़ी इज्जत है जो किसी को मिली हो। कौन है ये दीनदयाल? सुना है मामूली हैसियत से यहाँ आए थे, मगर देखते ही देखते लाखों के मालिक बन गए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो कोई नहीं जानता, मैंने भी कोशिश की थी मगर कुछ पता न चल सका। ठीक है, जब मेयर के साथ मजिस्ट्रेट का दर्जा भी मिल चुका है तो इनसे मिलना जरूरी हो गया। सरकार, कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। मैंने बहुतेरा कहा कि दस्तावेज मिलिए, लेकिन वो मानते ही नहीं। कोई बात नहीं, आने दो। अच्छा सेवक राम, बाकी के कागजात फिर देखेंगे। अच्छा, मैं इंस्पेक्टर शेर सिंह हूँ। कल ही मेरा तबादला इस शहर में हुआ, मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करने के लिए हाजिर हुआ। शुक्रिया इंस्पेक्टर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अब चूंकि मेयर बनने के साथ मजिस्ट्रेट के अख्तियारात भी मिल गए आपको, काम के सिलसिले में हमारी मुलाकात अक्सर होती रहेगी। अक्सर तो नहीं, बहुत कम। क्यों? इसलिए कि यहाँ के लोग ज्यादातर नेक और शरीफ हैं। शहर में चारों तरफ आपको अमन और शांति ही नजर आएगी। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ साया भी जरूर होता है हुजूर। तो आपकी निगाहें तस्वीर के तारीख पहलू पर ही जाती हैं। गुनाहों पर नजर रखना यही तो मेरा फर्ज है। लेकिन गुनाह क्यों हुआ उसकी तरफ से आंखें बंद कर लेना ये तो आपका फर्ज नहीं। हो सकता है जिसे आप गुनाह समझते हैं वो किसी बेबस इंसान की मजबूरी हो। आग को बर्फ समझ लेने से आग ठंडी नहीं होती। चोर डाकू लुटेरे अमन और शांति के दुश्मन हैं। आप चाहें कि मिट्टी से फूल की खुशबू आए, गैर मुमकिन है। ये न कहो इंस्पेक्टर, बनाने वाले मिट्टी से भी इत्र बना लेते हैं। कोई शख्स पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। हो सकता है कि आज का मुजरिम कल का फिर शरीफ शहरी बन जाए, लेकिन शर्त यह है कि आप उस पर कानून की अंधी लाठी चलाने के बदले उसके गुनाहों को रहम और इंसानियत की नजर से देखें। आपकी रगों में शराफत का खून है, आपने कभी गुनाह नहीं किया और ना आप पुलिस के महकमे में हैं, इसलिए शायद आप गुनाहगारों को रहम और इंसानियत से सुधारना चाहते हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि चोर डाकू और बदमाश नेकी को नहीं पहचानते, वो सिर्फ डंडे की बोली समझते हैं। जो सिर्फ डंडे की बोली समझते हैं वो इंसान नहीं हैवान है, और हम अगर किसी इंसान को हैवान बना देते हैं तो ये उसका नहीं हमारा कसूर है। आपकी दलील दिलचस्प है मेयर साहब, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि कानून कानून है और उसे तोड़ने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। हम ज्योतिषी नहीं है इंस्पेक्टर, फिर भी हमारी आंखें वो दिन देख रही हैं जब कानून के सांचे में ढली हुई आपकी जिंदगी गुनाह को रहम और इंसानियत से देखने पर मजबूर होगी। मेयर साहब, जिस दिन मेरे मन में ये कमजोरी जाग उठेगी और जिस दिन मेरे पांव कानून की राह में डगमगाने लगेंगे,
वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रही हो राधा बहन, जब कोई काम पर जा रहा हो तो उसे कहां ना पूछा करो, कहां पूछने से उसका काम खराब हो जाता है। काम खराब हो जाता है, ये जाने ऐठती काहे पर है? ऐठती है अपने रूप और जवानी पर। बहन, रूप और जवानी तो सभी पर आती है, मगर इस मुर्दार के तो पांव ही धरती पर नहीं पड़ते। और बनाव सिंगार कितना करती है ये भी देखा तुमने? और ये सिर्फ बनाव सिंगार थोड़ा ही करती है, मैंने तो सुना है ये कुंवारी कन्या दिन रात लंबी लंबी चिट्ठियां लिखती रहती। अब ये तुम सोच लो किसे लिखती होगी और क्या लिखती होगी। बात ये है कि उसकी एक बेटी भी है, वो उसके पास नहीं रहती, किसी आया वाया के पास रहती है, और ये महारानी इस बात को छुपा छुपा के रखती है। हाय राम, ब्याह हुआ ही नहीं, बेटी पहले ही टपक पड़ी। अगर हम इस बदचलन के साथ काम करेंगी तो हम भी बदनाम हो जाएंगी। चलो मैनेजर से कहें कि हम ऐसे लड़की के साथ काम नहीं करेंगे। ए जी, क्या भेजा है इस दफे? वही 20 रुपल्लड़े और क्या। और ये क्या है? उम्मी के लिए गर्म स्वेटर। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरे खेल, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। मगर हम कर ही क्या सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे रत्ना, ओ रत्ना। माँ धीरे बोलो ना, मैं कोई बैरी तो नहीं हूँ। अरे ये देख तेरे लिए क्या आया है। ओ माँ, ये कौन लाया है? अरे हम लाए हैं, और कौन लाया है, पहन ले और बन जा गुड़िया। और माँ उम्मी के लिए? अरे मरने दे उस चुड़ैल को। उम्मी, ओ उम्मी। माँ उसके पास तो एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। अरे ये तू आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है, हमारी बिटिया को कहीं नजर लग गई तो? जा बिटिया खेल तू, जा जा जा। क्यों री, तूने पानी भरा, बर्तन धोए, झाड़ू दिया, मेरा लहंगा धोया? धोती हूँ माँ जी, धोती हूँ माँ जी। कल की मार भूल गई बेशरम, जा मारी यहाँ से, चल चल काम कर जाकर। अजीब छोकरी है ये, मुसीबत डाल दी है इसने। ए जी तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि दे तो छोटी सी और पेट ढोल सा है। मैं कहती जबान संभाल के बोलना निकल। कैसे बैठी रहना, तुम्हें नहीं कह रहा मैं तो उस चुड़ैल को कह रहा हूँ उम्मी को, जो शेर भर अनाज एक वक्त में खा जाती है और डकार तक नहीं लेती। पर अब क्या किया जाए? हाँ ये सोचने की बात है ना। हाँ हाँ देख सुखिया, ऐसे करता हूँ कि उसकी माँ को चिट्ठी लिखता हूँ कि अब से 40 रुपए भेजा करे, नहीं तो अपनी लाडली को ले जाए और चलती बने। इस 20 रुपए में हम इसकी खिदमत नहीं कर सकते। पर अगर वो सचमुच ले गई तो घर की खिदमत कौन करेगा? ये अक्कल की बात की है तुमने, तू ठहरी महारानी और मैं ठहरा राजा, हम दोनों काम काज तो कर नहीं सकते। उसको चिट्ठी नहीं लिखता। आज तुम्हें तो जरा अक्कल नहीं।
इस तरह लिखो कि लड़की भी हाथ से ना जाए और रुपए भी ज्यादा आ जाए। हा, क्या समझे? बस मैं बिल्कुल समझ गया कि मैं गधे का गधा ही रहा, असल में तो जोखू तुम्हें होना चाहिए था है। अब देख मैं ऐसा मजमून लिखता हूँ उसकी माँ को कि वो ताट से रुपए भेज दे, जब रुपए आ गए तो मैं तेरे लिए एक बहुत बढ़िया लौंग खरीदूंगा, वो लौंग तू पहनकर मेरे सामने बैठ जाना, फिर मैं वो पंजाबी गाना गाऊंगा, बल्ले बल्ले बेहालिया दे हल छुट गए तेरे लौंग दा वजह ले शिकारा के हालिया दे हल छुट गए। नमस्ते मैनेजर साहब, आपने मुझे बुलवाया? हाँ राधा, बात यह है कि दूसरी लड़कियों ने तुम्हारी शिकायत की। शिकायत? हाँ, वो कहती हैं तुम्हारी एक बेटी, क्या ये ठीक है? जी हाँ। मगर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा ब्याह भी नहीं हुआ। मैंने झूठ बोला था। क्यों? इसलिए कि मेरा मर्द मुझे और मेरी बेटी को मजदार छोड़कर कहीं चला गया। मैं नौकरी करने निकली मगर लोग कहते थे कि तू बच्चे वाली है, तू काम क्या करेगी। मैंने सोचा कहीं और भी इनकार ना कर दे, मैं डर गई। मैंने कह दिया कि मेरा ब्याह नहीं हुआ। तुमने बहुत बुरा किया। मगर सुनिए, मैं मुझे तुम फैक्ट्री में बदनाम हो गई हो। लड़कियां कहती हैं कि अगर तुम यहां काम करोगी तो वो सब की सब नौकरी छोड़ जाएंगे। ये तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह और ये तुम्हारा बोनस। मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मर गई। मैं 2 घंटे से चिल्ला रही हूं और तू कानों में तेल डाले बैठी है। अच्छा तो चावल गिरा दिए तूने, बेशरम। तेरे हाथ टूट गए थे या आंखें फूट गई थी? ठोकर लग गई थी माँ जी। ठोकर लग गई थी माँ जी? ठोकर ना लगे तो और क्या हो, एक बखत में 2-2 शेर भात खा जाती है। परमेश्वर जाने तेरे पेट में कौन सा भूत घुस गया। माँ जी जितना आप देती हैं उतना ही तो खाती हूँ माँ जी। हद तेरा सत्यानाश हो जाए, अब तुम मुझसे जबान भी लड़ाने लगी। जाकर चूल्हा जला। लकड़ियाँ गीली है माँ जी। मैं कहती हूँ जाकर आग जला, नहीं तो आज मैं तुझे ही जला दूंगी। ओ, आज महारानी को हम गरीबों के झोपड़े का ध्यान आ गया। तुम कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? मेरी बेटी का क्या हाल है? अच्छा हाल है, हाथ पांव कान आंखें सब सही सलामत है। जरा बुला दो ना बहन, मैं तो उसे देखने को तरस गई हूँ। आए देर नहीं हुई और प्यार छलकने लगा। गांठ की बड़ी पक्की हो, प्यार छलकता है मगर पैसा कभी नहीं छलकता। कितनी बेर कहा कि अब खर्चा ज्यादा हो गया है, 40 रुपए भेजो। मगर क्या मजाल जो कान पर जू भी रेंग जाए, जब भेजे वही 20। मगर अब 20 से गुजारा नहीं चल सकता, कान खोल कर सुन लो। मेरी नौकरी छूट गई है, मैं अब 20 भी नहीं दे सकती। अब तो बहन मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। अच्छा तो तू उसे ले जाने आई है? अजी सुनते हो, जरा यहाँ तो आना। लो आ गए, कहो क्या बात है। ये उमी की माँ आई है, कहे है मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दो। हाँ भेज दो, अभी भेज दो, जरूर भेज दो और खुशी से भेज दो। समधी रोटा और दुखड़ा छूटा, मगर हमने जो उसके दवा दारू और कपड़े लत्ते पर कोई 500 रुपए खर्च किए हैं वो हमें दे जाए और अपनी बेटी ले जाए। 500? मगर मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं है। लड़की का ख्याल आ गया, कर्जे का ख्याल नहीं आया।
पहले 500 रुपए गिनकर यहाँ रख दे और फिर बच्चे की तरफ आंख उठा, अगर जेब खाली है तो। जिधर से आई है उधर को चलती बन। और मुड़कर भी देखा तो याद रखू मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, आंखें निकाल लूंगा। देखती क्या है, चल चल रास्ता पकड़। मैंने कहा सुनती है या नहीं, जा दफा हो जा, यहाँ तेरा रूप देखने वाला कोई नहीं। अरे जाना, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, चल यहाँ से निकल। उमा, 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 माँ, 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 मेरे बच्चे, माँ मैं आई, माँ, माँ, माँ की बच्ची, माँ बड़ी पापी है बेटी। दुनिया हजार पापी सही, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं कि एक पवित्र मन को जबरदस्ती पापी बना ले।
तो फिर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। कहिए मेहता जी। जब तुम अपने मन की इतनी मजबूत हो तो अपने संगीत से फायदा क्यों नहीं उठाती? भगवान ने बड़ा ही सुरीला गला दिया है तुम्हें। आजकल हर कैफे में नाच गाने का चलन हो गया है। किसी कैफे में जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। मैंने सचमुच आपको नहीं पहचाना। सुनिए तो, सुनो तो, तुम कहते हो तुम मुझे नहीं जानते। अरे साहब वो तो पागल औरत है, आप अंदर तशरीफ रखिए। तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम जो मेरे पति हो, तुम जो मेरी उमा के बाप हो, तुम जिसने मुझे छोड़कर मेरे गहने कपड़े छीन कर मेरे जीवन को काली रात बना दिया, वही तुम कहते हो तुम मुझे नहीं पहचानते। क्या बात है साहब, ये धोखेबाज औरत गले पड़ रही है। धोखेबाज? मैं
मैं धोखेबाज नहीं, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे लूटा है। तुम्हारे कारण मैंने दर दर की ठोकरें खाई है। लेकिन मैं हिंदू स्त्री हूँ, मैं तुम्हारे सारे पाप हंस के माफ कर दूंगी। मुझे ना ठुकराओ, मुझे ना छोड़। बेशर्म कमीनी, छोड़ मुझे, पति इस तरह नहीं मिला करते। तुमने मुझे बेशर्म कमीनी कहा, उसे जिसे पवित्र अग्नि के सामने मंत्र पढ़कर अपनी स्त्री कहा था। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, या मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, ये पागल औरत इस शरीफ आदमी का हाथ पकड़ के खींचती है और फजूल बदनाम करती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं इसे फजूल बदनाम नहीं कर रही हूँ। मैं इसकी ब्याहता स्त्री हूँ, ये मुझे छोड़कर भाग गया था इंस्पेक्टर साहब। आज मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पाया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी इंस्पेक्टर। हरे राम हरे राम, ये क्या जमाना आया है कि औरतें भी अब ऐसी मकारी पर उतर आई हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ, चाहे तो आप मेरे मैनेजर से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, पहले इस औरत ने मुझ पर हमला किया और अब ये हमारे बॉस पर इल्जाम लगा रही है। ये औरत पागल है। पागल नहीं, बदमाश है। नंबर 203, इस औरत को थाने में ले चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बदमाश नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये मेरा पति, ये झूठ बोलता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैंने कोई बुराई नहीं की। वो कोई पराया आदमी नहीं था, वो मेरा पति है। जीवन साथी बनकर उसने मुझे धोखा दिया है, सब कुछ लूट लिया है मेरा, मेरे गहने कपड़े तक नहीं छोड़े। वो मेरे सुहाग में आग लगाकर भागा है, मैं उसी आग के दहकते हुए अंगारे उस पर उछालने दौड़ी थी। मैं कोई आवारा बच्चा औरत नहीं हूँ, मुझे क्यों पकड़ लाए हो या मुझे क्यों पकड़ लाए हो? इसलिए कि कानून को तुमने हाथ में लेकर अपनी मनमानी हरकतों से शरीफ लोगों को परेशान कर रखा था। ले जाओ, आज इसे हवालात में बंद रखो। नहीं नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने किसी गैर को परेशान नहीं किया है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो उस आदमी को बुलाकर पूछ लो, अगर वो फिर भी इनकार करेगा तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूंगी। लेकिन मुझे हवालात में बंद मत करो, मुझे हवालात में बंद मत करो। ले जाओ इसे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर रहम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची मर जाएगी इंस्पेक्टर साहब, वो लोग बड़े बेरहम हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं बीमार हूँ, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। ठहरो। आपने ठहरो कहा, मैं जानती थी आप बड़े दयालु हैं, भगवान आपका भला करे, भगवान आपके बच्चे सलामत रखे, भगवान आपको इससे भी बड़ा होता दे इंस्पेक्टर साहब। 100 वर्ष की उम्र थे। बकवास बंद करो, हट जाओ एक तरफ। आइए मेयर साहब। अच्छा तो ये है मेयर साहब, वो आदमी जिसे लोगों ने आसमान पर चढ़ा रखा है, वो आदमी जिसे शहर वालों ने देवता समझ रखा है। धमकी। इसे बोलने दीजिए इंस्पेक्टर। मैं ये पूछती हूँ कि अगर किसी औरत को उसका पति धोखा देकर छोड़ जाए तो क्या ये उस औरत का दोष है? अगर किसी बीवी को अपने शोहर से बच्चा हो जाए तो क्या ये उस बीवी का पाप है? अगर कोई इस तरह की दुखियारी तुम्हारे कारखाने में काम करे तो क्या तुम्हारा मुंह काला हो जाता है? और अगर वो रोटी की तलाश में मारी मारी फिरे तो क्या तुम्हारे नाम को 4 चांद लग जाते? नहीं तो? तो फिर क्यों तुमने मुझे आवारा और बच्चलन समझ कर अपने कारखाने से निकाल दिया? क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? क्या यही तुम्हारी सच्चाई है? दुनिया तुम्हें धर्मात्मा दयालु और सच्चाई का देवता समझकर पूछती है, मगर मैं तुम्हें बेरहम झूठा और मक्कार समझकर तुम्हारे मुंह पर थूकती हूँ। बेअदब बदतमीज। जाने दो इंस्पेक्टर, ये गरीब अपने आपे में नहीं है। जो लोग अपने आपे में नहीं होते उनकी जगह हवालात में होती है। ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये इसका दोष नहीं, इसके दुखों का दोष है, और इसके दुख बहुत बड़े मालूम होते हैं। इसे छोड़ दीजिए। मगर इसने आपके मुंह पर थूका है। ये हमारा जाती मामला है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि आपने इसे माफ किया, बहुत अच्छा। लेकिन इससे पहले यह औरत एक और शरीफ आदमी से भी उलझ चुकी है। ये लड़की अमन के लिए खतरा है, इसके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो एक गुनाहगार के साथ किया जाता है।
मैंने उस शरीफ आदमी की हरकतों को अपनी आंखों से देखा है। मैं जानता हूं यह औरत बेगुनाह है, इसे छोड़ दिया जाए। आपकी निगाह में बेगुनाह होगी लेकिन कानून की निगाह में नहीं। मैं आपका नहीं, कानून का नौकर हूं मेयर साहब। अगर आप कानून के नौकर हैं तो मैं भी अपने कानूनी अख्तियारात के मातहत आपको हुक्म देता हूं कि इस बदनसीब औरत को छोड़ दिया जाए। मेरे ख्याल में आप पुलिस के कामों में बिला वजह दखल दे रहे हैं। मैं कहता हूं इसे छोड़ दो, छोड़ दो। जमादार, इस औरत को जल्द हमारे बंगले पर पहुंचा दो। इस तरह मेरा मामा मुझसे छूट गया, इस तरह मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, इस तरह फैक्ट्री से मुझे जवाब मिला और मैं दुनिया में बेदर और बेघर होकर रह गई। मगर आपके चेहरे का रंग क्यों बदल गया? मेरे चेहरे का रंग नहीं बदला बेटी, मेरी तकदीर बदल गई है। जरा ध्यान से देख और मेरे चेहरे में अपने मामा का चेहरा ढूंढने की कोशिश कर, कहीं तेरे सामने तेरा मामा कुंदन तो नहीं खड़ा है। राधा, राधा मेरी बेटी। आप नहीं जानते मैंने बदनसीबी के कैसे कैसे दिन गुजारे और दुखों की कैसी कैसी काली रातें आंखों में काटी है। मैं सोचती थी कि जाने भगवान क्या चाहता है। भगवान ये चाहता है कि अब तो जल्दी से भली चंगी होकर मेरे घर में नाचती कूदती झूमती फिरे और मैं तेरी आंखों में आंसू की एक बूंद भी ना देखूं। लेकिन मामा, ये तो जब भी हो सकता है कि तुम मेरी बेटी को मेरे पास ले आओगे। अच्छा तो तू यहां बैठ जा, ले इस कागज पर दस्तखत कर दे। विश्वास रख, तेरी बेटी बहुत जल्द तेरी गोद में आकर बैठेगी और फिर हमारी दुनिया का हर दिन दशहरा और हर रात दिवाली हो जाएगी। शेर साहब, इंस्पेक्टर शेर सिंह आपसे मिलने आए हैं। अच्छा नर्स, राधा का ख्याल रखना। इंस्पेक्टर शेर सिंह बैठिए। मुझे माफ कीजिए, मैं इस समय बैठने नहीं आया हूं। तो आप चाहते हैं कि हम भी खड़े रहें? मैं चाहता हूं कि इसी समय आप मुझे नौकरी से जवाब दे दें। नौकरी से जवाब दे दूं? वजह? मैंने आपके बारे में रिपोर्ट कर दी थी कि हम पुलिस के कामों में दखल देने लगे हैं। जी नहीं, मैंने रिपोर्ट की थी आप पुराने कैदी कुंदन हैं। कुंदन? कौन कुंदन? एक कैदी जो बड़ा ही ताकतवर था, उसने एक दिन एक कैदी की जान बचाई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने गरीब दास की जान बचाई थी। मुझे शक हो गया, मैंने रिपोर्ट कर दी कि आप ही कुंदन। अच्छा इंस्पेक्टर, उस कैदी कुंदन का जुर्म क्या था? 14 साल की जेल काटने के बाद रिहाई के दिन उसे हुक्म दिया गया था कि वो हर रोज थाने में हाजिरी दे, उसने एक बार भी हाजिरी नहीं दी। अब वो कानून की निगाह में फिर मुजरिम है और उसे गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। तो तुम्हारे अफसरों ने क्या लिखा? यही ना कि अपने मेयर को गिरफ्तार कर लो।
मेरे अफसरों ने लिखा कि मैं पागल हूं। ये क्यों? क्योंकि असली कुंदन पकड़ा गया है, कल उसकी पेशी है और मुझे गवाही के लिए वहां जाना है। ये कैसे हो सकता है कि यहां ये कुंदन आजाद फिरे और वहां एक और कुंदन पकड़ा जाए? मैंने बिना सोचे समझे आपके खिलाफ रिपोर्ट करके आपकी शान में गुस्ताखी की है। इस गुस्ताखी की सजा यही है कि आप मुझे नौकरी से बरतरफ कर दें। हमारा ख्याल है आपने कोई जुर्म नहीं किया है, आपने सिर्फ भूल की है और हम भूल की सजा नहीं देते। ये मेरी भूल ही क्यों ना हो, मगर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सजा ना दें, और अगर आप मुझे बरतरफ नहीं करेंगे तो मुझे खुद इस्तीफा देना होगा। ये हम बाद में सोचेंगे कि आपका इस्तीफा मंजूर किया जाए या नहीं। इस वक्त जाइए, अपना काम कीजिए, और कुंदन जो पकड़ा गया है उसे उसके जुर्म की सजा दिलाने में कानून की मदद कीजिए। क्या तुमने जुर्म किया है? हजूर, मैं गरीब और बुढ़ऊ हूं, मैं किसी पर क्या जुर्म कर सकता हूं? क्या तुमने बाग की दीवार फांदकर आम नहीं तोड़े? आम जमीन पर पड़े थे और बाहर पड़े थे, मैंने उठा लिए, मैं बाग के अंदर गया नहीं। अच्छा कुंदन। वकील साहब, मेरा नाम कुंदन नहीं है। तो तुम्हारा नाम क्या है? जब मैं छोटा था हजूर, तो मेरी माँ मुझे छुटका कहकर पुकारती थी। जब मैं जरा मोटा हो गया तो यार दोस्त मुझे मुटका कहने लगे। अब जब मैं बुढ़िया गया हूं तो दुनिया मुझे बुढ़ऊ कहती है। अब आप ही फैसला कर ले कि मेरा नाम क्या है। मिलाड, अपराधी झूठ बोल रहा है, मुझे गवाह पेश करने की आज्ञा दी जाए। अदालत आज्ञा देती है, गवाह पेश किए जाएं। पहला गवाह शेर सिंह, इंस्पेक्टर पुलिस। जिस समय मुजरिम जेल खाने में था और आज के गवाह कैदी थे, उस समय मैं जेल का असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट था। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी गवाही सबके बाद ली जाए, ताकि गवाहों पर असर ना हो और मुजरिम के साथ अन्याय होने का डर ना रहे। वेरी कमेंडेबल इंडीड। दूसरा गवाह महकूमल फकीरा। अपराधी की तरफ देखो और बताओ कि तुमने इसे कभी पहले भी देखा है। हाँ हजूर, इसे हमने देखा है, यह हमारे साथ कैद में था। इसका नाम है कुंदन। नेक्स्ट अवल फतू। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? खूब जानत है सरकार, यह हमारा जेल भाई कुंदन है। जब ये जेल में था तो इसकी हमने संग खूब पड़ती थी सरकार। नेक्स्ट परसावल जग्गू। इसे देखो और बताओ क्या तुम इसे पहचानते हो? पहचानता क्यों नहीं सरकार, ये तो अपना कुंदन है। अदालत का ख्याल है कि अब और गवाहों की जरूरत नहीं। अपराधी, अब तुम क्या कहना चाहते हो? सरकार, मैं तो कुंदन नहीं हूं, पर जब इतने बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि मैं कुंदन हूं, तो चलो कुंदन ऐसे ही अपना क्या जाता है। अदालत का फैसला है कि तुमने जेल से छूटने के बाद एक बार भी थाने में हाजिरी नहीं दी, ये तुम्हारा पहला जुर्म है। तुम बाग की दीवार फान कर। ठहरिए जज साहब। कौन? मेयर साहब, आइए। गुस्ताखी माफ जज साहब। मैं दरखास्त करता हूं कि अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दे। जरूर जरूर, मेयर साहब के लिए कुर्सी लाई जाए। अदालत का शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे खड़े रहकर ही अपना बयान देने की आज्ञा दी जाए। जैसी आपकी मर्जी, फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ये आदमी जिस पर कुंदन होने का शक है छोड़ दिया जाए। कुंदन ये नहीं है, कुंदन मैं हूं। कानून मैंने तोड़ा है, और अगर कानून अपनी हथकड़ियां लेकर कुंदन को ढूंढ रहा है तो वो मुझे गिरफ्तार करे। मिलोर, मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं
कि मेयर साहब का बयान लेने से पहले इन्हें किसी डॉक्टर को दिखा लिया जाए। मुझे शक है इनका दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। इत्मीनान रखिए वकील साहब, मेरा दिमाग अपनी जगह से हिल नहीं गया है। मैं जो कुछ कहता हूं वो पूरे होश हवास में कहता हूं और उसका नतीजा जानकर कहता हूं। यकीन कीजिए इस समय आपके सामने वही बेकसूर और गरीब कुंदन खड़ा है जो लकड़ियां काट काट कर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था, जो एक रोटी चुराने के जुर्म में 14 साल तक आपके जेल में रहा, लेकिन इस छोटे से जुर्म की इतनी कड़ी सजा भुगतने के बाद भी जब वो जेल से बाहर निकला तो लोहे की तरह सख्त और पत्थर की तरह बेहिस कानून ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और समाज ने भी उसे एक जानवर से बदतर समझ लिया। वो जिस आदमी की तरफ बढ़ा उसने अपना मुंह मोड़ लिया और जिस घर की तरफ लपका उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। अब कुंदन के पास और कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि वो फिर चोरी करे। आयन उसी वक्त जब यह ख्याल उसे सता रहा था तब एक महापुरुष ने नेकी की मुस्कुराहट लेकर उसका स्वागत किया, मोहब्बत भरे दिल से उसे खाना खिलाया, आराम करने के लिए उसे नर्म बिछौना दिया। जो काम 14 साल की जेल की सख्तियां ना कर सकी वो काम इस प्रेम भरे बर्ताव ने किया और कुंदन एक बार फिर वही कुंदन बन गया जिसमें कैदी कुंदन के लहू की एक बूंद भी बाकी न रही। लेकिन कानून का अगर यही फैसला है कि कुंदन ने थाने में हाजिरी न देकर जुर्म किया है और उसे उस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, तो कानून से कहो कि अपनी हथकड़ियां लेकर आगे बढ़े और इस बेगुनाह को पकड़ने के बजाय मुझे जकड़ ले। मैंने अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया। अदालत आपके बयान पर अब भी शक करती है। तो मैं अदालत का शक अभी दूर किए देता हूं। यह है मैकू, यह है मसीता, यह है परसा और इनके साथ जेल में यह नहीं रहा है, मैं रहा हूं। अपनी बाई बां नंगी कर मैकू और उस पर गुदरे का निशान दिखा। और तू भी मुझे भूल गया मसीते, लेकिन तेरी पीठ पर बेतों के जो 3 निशान है मैं उसे नहीं भूला। और परसा अपना दायां हाथ आगे बढ़ा और उस पर पत्थर की चोट का जो निशान है उसे अदालत को दिखा। क्या अदालत अब भी मेरे बयान पर शक करती है? क्या वकील साहब अब भी यह समझते हैं कि मेरा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है, या यह मेरे नाम और औहदे का असर है जो इस बड़ी अदालत में एक भी हाथ मेरी तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं करता? जो भी हो, मैंने अपना धर्म पूरा कर दिया। अब अदालत अपना फर्ज समझे और इस बेगुनाह को छोड़ दे, वरना इंसाफ का मुंह काला हो जाएगा और कानून अपने बेकानूनी का मातम करता रहेगा। ये बेगुनाह है, इसे छोड़ दो। ये दवाइयां पिला पिला कर ना मारो। मेरी दवा, मेरी बेटी उमा है, आ जाएगी तो मैं जी जाऊंगी, ना आएगी तो जीने का फायदा ही क्या है। घबराई नहीं, जब बड़े सेठ आपकी बेटी को लाने गए हैं तो लेकर ही आएंगी। लीजिए दवा पी लीजिए, इसे आपको नींद भी आ जाएगी। वाह प्रेमसा, एक मुद्दत के बाद मेरी बेटी मेरे पास आने वाली है और तुम मुझे सुलाना चाहती हो। मालूम होता है मां नहीं हो, मालूम होता है तुम्हारे कोई औलाद नहीं हो। नर्स तुम जा सकती हो। चिंता न कर राधा, तेरी बेटी बहुत जल्द तेरे पास पहुंच जाएगी। कब पहुंच जाएगी? कहीं उसके पहुंचने से पहले मेरी मौत न पहुंच जाए मेरे पास। मामा, मामा तुम तो कहते थे।
जमदूत फिर यहाँ आ गया। मुझे बचाओ मामा, ये मुझे देने आया है, इसे निकालो यहाँ से, ये मुझे फिर पकड़ के ले जाएगा। मामा ये मुझे फिर पकड़ के ले जाएगा। डरो नहीं बेटी, ये तुझे पकड़ने नहीं आए। शेर सिंह, इंस्पेक्टर शेर सिंह, मैं जानता हूं आप क्यों आए हैं, तो जल्दी चलो। आप जरा अलग होकर पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं अलग होकर किसी की बात नहीं सुनता, जो कहना है यही कहो। तो इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए ताकि मैं इसकी बेटी को लाकर इसके हवाले कर दूं। इसके बाद मेरा काम यह देखना नहीं कि इसकी बेटी इसके पास आती है या नहीं, मेरा काम है तुम्हें गिरफ्तार करना। प्लीज इंस्पेक्टर। ये तुम्हें गिरफ्तार करने आया है, ये तुम्हें फिर पकड़ कर ले जाएगा। मैं फिर दरबदर की ठोकरें खाती फिरूंगी, मेरी बच्ची उन जालिमों के पंजे में रह जाएगी। मामा सिसक सिसक कर मर जाएगी। हे भगवान, हे भगवान, ये तू क्या कर रहा। राधा, 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 बेटी को मिलने से पहले ही चली गई तू। बेरहम कसाई, अगर तू अलग होकर मेरी एक बात सुन लेता, तेरी कानून की दुनिया में कौन सी आग लग जाती। अरे जालिम, इतना तो सोचा होता कि जिस शख्स ने एक बेगुनाह को जेल से बचाने के लिए अपनी इज्जत, दौलत और शोहरत सबको ठोकर मार के भरी अदालत में अपने आप को गुनाहगार साबित कर लिया, क्या वो अपनी गिरफ्तारी से बचकर भाग जाता। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे साथ चलो। मैंने इसे वचन दिया था कि मैं इसकी बेटी को अपने घर ले आऊंगा। ये मर गई है मगर मेरा वचन नहीं मरा। मैं अपने वचन का पालन किए बगैर तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। और मैं तुम्हें गिरफ्तार किए बिना यहां से नहीं हटूंगा। शेर सिंह, मेरे नजदीक न आ, तूने मेरे अंदर का मरा हुआ कुंदन फिर से जिंदा कर दिया है। वो कुंदन बचाना ही नहीं मारना भी जानता है, और उसके सामने उसकी जवान भांजी की लाश पड़ी है। शेर सिंह, मैं कहता हूं मेरे नजदीक न आ, मेरे सिर पर इस वक्त खून सवार है, मैं नहीं जानता मैं क्या कर गुजरूंगा। शेर सिंह, मेरे नजदीक ना। जीवन में भागने का वक्त फिर आ गया है। सब काम का तुम ही संभालोगे, राधा का क्रियाक्रम भी तुम ही करोगे। आप बेफिक्र रहे, मैं तुम्हें अपना पता फिर बताऊंगा। कहां गया वो? मैं नहीं जानता, और अगर जानता तो भी नहीं बताता। मेरी जान गैर को तुम पान खिलाया न करो। मेरी जान गैर को तुम पान खिलाया न करो। मेरी जान गैर को तुम पान खिलाया न करो। मेरे अरमान भरे दिल को जलाया न करो। वो जलाया न करो, वो जलाया न करो,
हो जी, तुम तो नादान हो क्या जानो मोहब्बत क्या है, तुम तो नादान हो क्या जानो मोहब्बत क्या है, प्यार सच्चा हो तो पैसों की जरूरत क्या है, मांग कर पैसा मेरे दिल को दुखाया न करो, मांग कर पैसा मेरे दिल को दुखाया न करो, मेरे अरमान भरे दिल को जलाया न करो, वो जलाया न करो, वो जलाया न करो। प्यार के गीत मेरे सामने गाया न करो, प्यार के गीत मेरे सामने गाया न करो, जेब खाली हो तो बाजार में आया न करो, लजियाया न करो, लजियाया न करो, मेरी जान वैद को तुम पान खिलाया न करो, जेब खाली हो तो बाजार में आया न करो, लजियाया न करो, लजियाया न करो। इतनी बड़ी बाल्टी क्यों उठाती है बिटिया? ना उठाऊं तो क्या करूं? वो मुझे मारती है। ला, मैं उठा कर ले चलूं। नहीं, वो कहेगी क्या तेरे हाथ टूट गए हैं? कोई नहीं कहेगा बिटिया। क्या नाम है तेरा? उमा। उमा, चल। क्या जोखू आपका नाम है? जोखू राम कहिए, जोखू राम, फरमाइए क्या हुक्म है? मुझे उमा की माँ ने भेजा है, मैं उससे लेने आया हूँ। ओ, ओ रत्ना की माँ, देख अब की एक जेंटलमैन आया उमी को लेने। उमी को लेने आया है तो बड़ी खुशी से ले जाए, मगर पहले हमारा खर्चा गिन दे हमें, उसके बाद उसकी तरफ आंख उठाए। ये तो हुई ना धर्म की बात। भाई पहले तुम खर्चा दे दो हमको। खर्चे की तुम फिक्र न करो, खर्चा मैं गिन दूंगा। बताओ क्या निकलता है उसके जिम्मे? आप जेंटलमैन साहब वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ बैठिए, ये आपका अपना ही घर है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जी हाँ, अरे ओ उम्मी की माँ, मुंह क्या तक रही है? जल्दी जाकर एक फुल हाउस चाय ला आपके लिए, और एक स्पेशल पान ला, ये पान अच्छे नहीं है। पहले अपना खर्चा बताओ। खर्चा जी कुछ ज्यादा तो नहीं है, 40 और 40 80। और वो 300? हाँ वो तो मैं भूल ही गया, हिसाब ज्यादा ये जानती है साहब मेरे से। हाँ वो 300 मिलाकर हो गए पूरे 380। और साहब, और जी वो बीमारी का खर्चा अलग, वो 60 रुपए है। वो तो दूसरी बीमारी में, और पहली बीमारी में जो 150 का खर्चा हुआ वो तुम भूल गए जी? हाँ जी हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, पहली बीमारी में 150 का खर्चा हुआ, 150, 60 और 380 ये हुए में 590। हाँ जी 590। बस बस बस, बस कैसे उम्मी की माँ, वो 100 रुपया जो कपड़ों पर खर्च हुआ था वो कौन देगा? हाँ। अच्छा हाँ, वो कपड़ों के भी 100 रुपए लगा लो। हाँ जी, हो गए 690। हाँ 690। ये लो 700। 700, 10 रुपए मेरे पास नहीं है बाकी। चल बेटा उम्मी। जी और कई खर्चे हैं साहब, बहुत खर्चे हैं जी। देखो फटे हुए जूते की तरह बढ़ते न जाओ, अब मैं तुम्हें एक पाई न दूंगा। कम
अरे 700 देंगे, ये और भी देगा। जेंटलमैन साहब ठहरिए। देखिए आप बहुत भले आदमी नजर आते हैं, इसलिए बच्ची भी आपके साथ खुश रहेगी, मगर इसकी माँ ने आकर इसको हमसे मांगा तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए आप पहले चिट्ठी ले आइए उससे, और फिर हम बच्ची को बड़ी खुशी से ले जाइए। ये लो उसकी चिट्ठी। जेंटलमैन साहब ठहरिए ठहरिए। ओहो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओ ना रो, ये बहुत अच्छे हैं, मानते हैं। अभी देखिए सुफिया रो रही है, जार जार रो रही है। बात यह है कि उम्मीद से उसको लगाव हो गया है। अगर उम्मीद चली गई तो वो रो रो कर मर जाएगी। अगर वो मर गई तो मैं क्या करूंगा, आप खुद बताइए। इसलिए आप अपने रुपए ले जाइए और उम्मीद को देंगे। अरे मर्दू है, यहाँ खड़ा होकर मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा पकड़ उसे, बख्शीश मांग। अरे भली मानस, ये भी तो बख्शीश ही है। झूठा मूठा हिसाब बताकर उससे रुपए तो बटोर लिए, और क्या चमड़ी उधेड़ लूं उसकी मैं। कैसी बातें कर रही है? और फिर तू आप ही सोच, वो आदमी 6 फुट का, अगर मैं और रुपए उससे मांगता तो वो एक थप्पड़ मारता है, 100-200 के लिए मेरे 2000 के दांत बाहर निकाल देता। देख सुखिया, मैं इन रुपयों से तेरे लिए बहुत बढ़िया लौंग बनवाऊंगा। वो लौंग पहनकर तू मेरे सामने बैठ जाना, और फिर मैं वही बल्ले बल्ले भी हालिया दे हाल छूट गए, बल्ले बल्ले भी हालिया दे हाल छूट गए, तेरे लौंग दब जाले जिकारा भी हालिया दे हाल छूट गए। इधर आओ। ओ पुलिस, जा 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 जा, तुम जाओ तुम जाओ। अरे तू जाना, अरे तुम जाओ ना। मैं कहता तू जाना। मैं यहाँ से कोई शरीफ सूरत बदमाश तो नहीं गया? नहीं हवालदार साहब। अरे नहीं कैसे, वो जो अपनी लड़की उठाकर ले गया जबरदस्ती हमारे घर से, और खर्चा भी नहीं दे गया। कौन था वो? आज ही हवालदार साहब था, एक लंबा सा मोटा सा, बड़ा रबाब दिखाता था, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ हाँ, वही 10 नंबरी बदमाश कुंदन है। पुलिस को उसकी जरूरत है। जो उसे पकड़वाएगा उसे 2000 रुपए इनाम मिलेगा। 2000? ये 2000 रुपए अगर हमें मिल जाए तो हमारी ये जो बख्शीश की कसर पूरी हो जाए, है ना। और फिर मैं तेरे लिए एक लौंग बनवाऊंगा, तू उसे पहनकर मेरे सामने बैठ जाना, और मैं वही पंजाबी गाना गाऊंगा। और बल्ले हाँ 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 हाँ, मालूम है। चलो चलो हाँ। मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए। बोलो दोगे आप? मेरे साहब आप मेरे धन्यवाद, आप यहाँ कैसे आ गए? पहले ये बताओ तुम कौन हो और मुझे किस तरह जानते हो? आप मुझे नहीं पहचानते, मगर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैं गरीब दास हूँ।
गरीबदास? कौन गरीबदास? आपको याद होगा, एक दिन एक आदमी एक मोटर लारी के नीचे आ गया था, आपने उसकी जान बचाई थी और आप ही ने उसे लड़कियों के एक स्कूल में नौकर रखवाया था। मैं वही गरीबदास हूँ और ये स्कूल वही लड़कियों का स्कूल है। गरीबदास, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कर सकोगे? ये आप क्या कह रहे हैं, अपनी जान देकर भी मैं आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता, फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे अपने स्कूल की बड़ी मास्टरनी के पास ले चलो और उनसे कहो। ये मेरा बड़ा भाई है हजूर, ये यहाँ नौकरी के लिए आया है। तुम्हारा नाम क्या है? धर्मो हजूर। और उम्र क्या है? 45 साल। ये तुम्हारी लड़की है? हजूर ये मेरी पोती है, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ। तुम इसे पढ़ाना चाहते हो, मगर इसकी फीस कौन देगा? हजूर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम माली का काम कर सकते हो? जी हाँ हजूर, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। तनख्वाह क्या लोगे? आप मेरी पोती से फीस न लीजिए, मैं आपसे तनख्वाह न लूंगा। अच्छा, तो तुम आज से स्कूल के माली हो, जाओ अपना काम करो। आजा बेटी, मैं यहाँ हूँ। क्या है? ये मेरी नई किताबें हैं बाबा। बाबा मैं कच्ची पहली में पास हो गई, अब मैं पक्की पहली में गई हूँ। अच्छा, तो पक्की पहली में हो गई? भगवान तेरा शुक्र है, आज मेरी बेटी पक्की पहली में हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने खुश है बाबा? इतना बस? इतना बस? इतना? हाँ बाबा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा इतने ही खुश रहा करो। बाबा तुम रोने क्यों लगे? बेटी ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? खुशी में तो आदमी हंसता है, खुशी में मैं रो कैसे सकता हूँ? ये मेरी समझ में नहीं आता। जब तू बड़ी हो जाएगी ये सब बातें तेरी समझ में आ जाएंगी। हो गई? नहीं बाबा, मैं पास नहीं हुई। तो पास नहीं हुई? नहीं, मैं तो अव्वल निकली हूँ। अव्वल? अपने स्कूल में अव्वल? नहीं, सारे जिले में अव्वल। सारे जिले में? सारे जिले में अव्वल? भगवान तेरा शुक्र है, आज मेरी बेटी सारे जिले में अव्वल निकली। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने खुश हो बाबा? इतना बस? इतना बस? इतना खुश हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पापा हमेशा इतने खुश रहे। अरे पगली, तू तो अब भी मेरे लिए वही छोटी सी उमा है, आजा। बाबा। बाबा तुम फिर रोने लगे? आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, इस खुशी के समय मुझे तेरी माँ याद आ गई। वो बिल्कुल तेरी तस्वीर थी, तो बिल्कुल उसकी तस्वीर है। आज अगर वो जिंदा होती तो उसके होंठों पर भी खुशी उसी तरह खेलती जिस तरह अभी अभी तेरे होंठों पर खेल रही थी। लेकिन बाबा तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम रोने क्यों लगे। बेटी ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। बाबा खुशी में तो आदमी हंसता है, खुशी में आदमी रो कैसे सकता है, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। जब तू बड़ी हो जाएगी तो ये सब बातें तेरी समझ में आ जाएंगी। देखो बाबा मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। नहीं बेटा, अभी तो बड़ी नहीं हुई, अभी तो मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा, फिर कॉलेज में पढ़ाऊंगा,
और जब तू बीए पास कर लेगी तो मैं तुझे विलायत भेजूंगा, और जब तू विलायत से वापिस आएगी तब बड़ी होगी। ओ बाबा। प्रिय सेवक राम, यह सुनकर तुम्हें खुशी होगी कि बेटी उमा स्कूल की पढ़ाई का आखिरी इम्तिहान बेहद कामयाबी के साथ पास कर चुकी है। अब मैं उसे शहर के किसी कॉलेज में दाखिल करना चाहता हूँ, इसलिए तुम फौरन शहर के दामन में किसी ऐसे मकान का इंतजाम करो जहाँ मैं इत्मीनान से रहकर उमा की तालीम जारी रख सकूँ। ताकीद है तुम्हारा दीनदयाल। Hey, तुम चाय बना रही हो, चाय की तरफ देखो, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही हो? देखो जी, तुम हमेशा मुझे ए कहकर बुलाते हो, क्या तुम्हें रत्ना नाम सुंदर नहीं लगता? नाम तो बहुत सुंदर है। अच्छा जी, तो मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे बाबा, तुम सुंदर, तुम्हारी माँ सुंदर, तुम्हारा बाप सुंदर, और कोई सगा संबंधी हो तो उसका नाम भी दे दो ताकि उसे भी सुंदरता का सर्टिफिकेट दे दूं। मैं तुम्हारा इतना काम करती हूँ फिर भी तुम मुझसे गुस्से ही रहते हो, कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं, जरा मेरी तरफ देखो। रत्ना, तुम्हारे संसार में हंसी है, खेल है, मजाक है, तुम खुशियां मनाओ, मुझे और भी बहुत काम है। अच्छा जी, और काम यही ना कि दोस्तों, साथियों, देशवासियों या वंदे मातरम। नौजवानों, नौजवानों, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों, 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 तोड़ के सारे जाल विदेशी, कर लो देश को अपना, कर लो देश को अपना, रह जाए ना देखो अधूरा कोई सुंदर सपना, कोई सुंदर सपना, घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो, घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों, 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 हम भारत के बासी क्यों हों दुनिया से शर्मिंदा, दुनिया से शर्मिंदा, देश के कारण मौत भी आए फिर भी रहेंगे जिंदा, फिर भी रहेंगे जिंदा, जय जय हिंद के नारों से धरती को हिला दो, जय जय हिंद के नारों से धरती को हिला दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों, 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 अपने साथ कैसे कैसे बलवानों की शक्ति, बलवानों की शक्ति, अपने साथ कैसे कैसे बलवानों की शक्ति, बलवानों की शक्ति, श्री जवाहरलाल की हिम्मत, श्री जवाहरलाल की हिम्मत, बापूजी की भक्ति, बापूजी की भक्ति, देश का झंडा जग में ऊंचा करके दिखा दो, देश का झंडा जग में ऊंचा करके दिखा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों, 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 नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों
फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों 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 जेब में ही रहने दो। लेकिन अगर आपने पुलिस को बुलाया तो मैं कह देता हूं। मैं याद रखो नौजवान, जिंदगी देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। कौन हो तुम? मैं एक विद्यार्थी हूं। क्या नाम है तुम्हारा? अमृत। इतनी रात गए यहां क्यों आए हो? पुलिस मेरा पीछा कर रही है और मैं थोड़ा सा जख्मी भी हुआ हूं। उमा, बेटी ये नौजवान जख्मी हुआ है जी। इसे ऊपर ले जाओ और इसके जख्म को मरहम पट्टी कर दो। जी बहुत अच्छा, आइए। मैं देखता हूँ पुलिस का कोई आदमी तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है। यहाँ आराम से बैठ जाइए। जख्म गहरा तो नहीं है? जी नहीं, मामूली सी खराश है। इतना खून बह रहा है और आप कहते हैं मामूली सी खराश है? जरा ठहरिए, मैं भी पट्टी बांध देती। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि यहाँ कोई नहीं आया है। लेकिन जनाब, वो हमारे सामने आपके मकान में दाखिल हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। आपकी आंखों ने भूल की है। अगर इस आधी रात के समय कोई ऐसा वैसा आदमी मेरे मकान में चले आने की जरूरत करता तो मैं उसे गोली न मार देता। आपको तकलीफ तो जरूर होगी। कुछ तकलीफ कम हुई? कम नहीं हुई जी, एकदम गायब हो गई है। ऐसा लगता है आपने मरहम पट्टी नहीं की, मुझ पर जादू कर दिया। इतनी खुशामद तो न कीजिए मिस्टर अमृत। अमृत, मैं खुशामद नहीं कर रहा मिस उमा, सचमुच आप और आपके पिताजी। पिताजी नहीं, बाबा जी। सचमुच आप और आपके बाबा जी दोनों इतने शरीफ और हमदर्द हैं कि जी चाहता है मुझे हर रोज जख्म लगता रहे। मैं हर रोज यहाँ छुपने आता रहूं और आप हर रोज मुझे पट्टी बांध दें। मालूम होता है आप लोग इस शहर के रहने वाले नहीं। जी आपका ख्याल गलत है, हम लोगों को इस शहर में रहते हुए 10 साल हो गए। आप पढ़ती हैं? जी हाँ। कौन से स्कूल में? आपने भी क्या नजर पाई है, मेरी उम्र स्कूल में पढ़ने की है। ओह माफ कीजिए, कौन से कॉलेज में? विल्सन। काश मैं भी विल्सन का स्टूडेंट होता तो आपसे आए दिन मुलाकात हो सकती। मुलाकात तो अब भी हो सकती है। यही तो मैं भी सोच रहा था, मुलाकात तो अब भी हो सकती है और अब भी होती रहेगी।
सुन लीजिए प्यार की दास्तां, अब तो सुन लीजिए प्यार की दास्तां, ये बहारों के दिन हो नहीं कोई गम, अपनी मंजिल पे हम आ गए हैं सनम, तो मुसाफिर मिले बन गया कारवां, अब तो सुन लीजिए प्यार की दास्तां, अब तो सुन लीजिए प्यार की दास्तां, ये बहारों के दिन हो रहा हूं कि बीए का इम्तिहान नजदीक आ रहा है और प्यार का यह सुनहरा जमाना भागने की तैयारियां कर रहा है। हम दोनों बीए पास हो गए तो फिर ये रोज रोज की मुलाकातें कहां, मनना कहां, रूठना कहां। जिंदगी जिंदगी की सारी रोशनियों से खाली हो जाएगी और बागों की बहारें बागों को छोड़ जाएंगी। हाँ, तो फिर ईमानदारी के साथ कोशिश क्यों ना की जाए कि हम दोनों इस दफा एग्जाम में फेल हो जाएं, ताकि हमें खेल कूद और प्यार मोहब्बत के लिए एक साल और मिल जाए और जुदाई का जमाना एक साल के लिए और पीछे चल जाए। वंडरफुल, माय गॉड, वंडरफुल। मगर अफसोस तो इस बात का है कि इस नेक ख्याल ने इस खोपड़ी की बजाय इस खोपड़ी में करवट क्यों ना दी। जी खैर, अब हाथ पे हाथ मारकर प्रतिज्ञा करो कि तुम एग्जाम में फेल होने की कोशिश करोगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ और तुम? मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ। ओह अमृत, लोग हैरान रह जाएंगे और हम खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। पागल हो गई है बेटी, इसमें रोने की कौन सी बात है। अगर इस साल तू फेल हुई है तो अगले साल पास हो जाएगी। लेकिन बाबा, मैं फेल कहाँ हुई हूँ? फेल नहीं हुई,
नहीं हुई, मैं तो पास हुई हूँ। तो पास हुई है फिर भी रो रही है? तुम्हें कैसे समझाऊं बाबा, आदमी गम में रोता है खुशी में भी रोता है ना, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। अच्छा तो तू खुशी में रो रही है, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो इतना भी नहीं समझ सका। ले अब इस खुशी में एक और खुशखबरी तुझे सुनाता हूँ, हम बहुत जल्द अब लंदन जा रहे हैं। माय गॉड, लंदन? हाँ अमृत, लंदन। वो मेरी एक नहीं सुनते, कहते हैं मैं तुम्हें बैरिस्टर बनाऊंगा, कहते हैं कि हर नौजवान लड़के लड़कियों को कानून जानना और उसको अच्छी तरह समझना नहायत जरूरी है, और कहते हैं कि कभी कभी कानून अंधा और बहरा हो जाता है। वो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकूंगा? और मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ अमृत? मेरे लिए तो दिन की धूप और रात की चांदनी दोनों खत्म हो जाएंगी। मैं तो समझता हूँ तुम्हारे बाबा हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो फिर हिम्मत की कमर कसके इस अन्याय का सामना क्यों नहीं करती? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसमें सोचना क्या है, तुम्हें इसी वक्त बाबा के हुजूर में हाजिर होकर साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। सोच विचार में वक्त जाया करने से सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मगर मैं क्या कहूँगा? ओह अमृत, कहते ना मैं उमर से शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं कहूँगा सेठ दीनदयाल जी, मैं अमृत राय आपकी पोती उमा से शादी की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। तो तुम उमा से शादी करने की दरख्वास्त लेकर आए हो? जी। लेकिन नौजवान तुम भूलते हो, शादी की बातचीत करना तुम्हारा नहीं तुम्हारे बुजुर्गों का काम है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए कि तुम्हारे ख्यालात बागियाना हैं और कॉलेज के दूसरे लड़कों की तरह तुम भी इनकलाबी बन गए हो। जी हाँ, वो नहीं चाहते कि मैं आज़ादी वतन की जंग में किसी तरह का हिस्सा लूँ। तो मुझे अफसोस है, मेरा फैसला सुनकर भी तुम खुश न होगे। क्यों? इसलिए कि तुमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तुम्हारी जिंदगी को नित नए खतरों में उलझा कर रख देगा। कानून तुम्हारी ताक में, पुलिस तुम्हारी तलाश में, और CID के जासूस हर वक्त तुम्हारे साथ साये की तरह लगे रहेंगे। तो कानून और पुलिस से आप डरते हैं? नौजवान, मैं सिवाय परमात्मा के और किसी से नहीं डरता, लेकिन उन बातों से दूर रहने की जरूर कोशिश करता हूँ जिनसे गेहूं के साथ घुन के भी पिस जाने का अंदेशा हो। मैं समझ गया, आपकी नजर में भी मेरी देशभक्ति मेरा जुर्म है, इसलिए आप इनकार कर रहे हैं। मैं देशभक्ति को जुर्म नहीं समझता, मैं देशभक्तों के सामने अपना सिर झुकाता हूँ। फिर मैं पूछ सकता हूँ कि आपने इतना बेरहम फैसला क्यों किया? इतना बेरहम कि वो दो दिनों की दुनिया के उजड़ जाने की भी परवाह नहीं करता? और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा प्यार इतना अंधा क्यों है? इतना अंधा कि वो उमा की खुशी और सलामती की भी परवाह नहीं करता? तुम्हें मालूम है तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, और तुम्हें मालूम है उस रास्ते में कितनी तबाहियां और बर्बादियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और जब वो तबाहियां और बर्बादियां तुम्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ेंगी तो वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं गरीब उमा को भी पकड़ लेंगी, और उसकी जिंदगी भी एक उजड़ा हुआ बाग बनकर रह जाएगी। लेकिन मैंने उमा से कोई बात छुपाई नहीं है, वो सब कुछ जानती है, और अपनी खुशी से वो अपनी खुशी से अपना नर्म और नाजुक जीवन तुम्हारे साथ बांधने को तैयार है। अब जरा ख्याल करो, एक तरफ उमा का प्यार कितना महान कितना ऊंचा, दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत कितनी छोटी कितनी ओछी। मुझे माफ कीजिए, मेरी समझ यहां तक नहीं पहुंची थी, ये सचमुच मेरी खुदगर्जी थी। अब मैं समझता हूं कि प्यार के संसार में मेरे लिए कोई आशा नहीं है। शिकायत
आंसू देखे हैं कि अब मुझ में और आंसू देखने की ताब नहीं। अगर तू अमृत को मिले बिना नहीं रह सकती तो जा, मैं तेरा रास्ता नहीं रोकूंगा। क्या बाबू अमृत राय यहीं रहते हैं? रहते तो यहीं हैं, मगर इस समय यहां नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहां गए हैं और कब तक आ जाएंगे? मेम साहब, ये हमारा होटल है, कोई पुलिस चौकी नहीं है कि जो जाए वो बताकर और लिखा कर जाए कि कहां गया है और कब तक वापस आएगा। क्या मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर उनका इंतजार कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी से। थोड़ी देर क्या, तुम जब तक चाहो बैठ सकती है। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त जरा कमजोर हो गई है। देखा जरूर है तुम्हें कहीं ना कहीं। कहाँ देखा है? वो मारा, तुम्हारा नाम उमा देवी है ना? मगर अब पहले मेरा सवाल, तुम्हारे बाबा का नाम सेठ दीनदयाल जी है ना? और वो रहते हैं वो 12 नंबर गोखले रोड। हाँ बिल्कुल, 12 नंबर गोखले रोड। वाह 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 वाह, क्या पहचाना है मैंने तुम्हें। अरे बेटा, मैं तुम्हारा काका हूँ, नमस्ते कर। नमस्ते काका। हरियाणा हो, तेरी एक काकी भी है, अभी बुलाता हूँ उसे, तुझे देखकर वो मुझसे भी ज्यादा खुश होगी। अरे ओ रूप रानी, ओ श्रीमती सुखमनिया देवी। अरे देख कौन आया है। कौन? अरे वही अपनी उमा, अपनी भतीजी उमा, जिसे याद करके तू कई बार रोया करती थी। देख कितने वर्षों के बाद आई है। हाय मेरी बेटी उमा, कितने वर्षों के बाद मिली है। तारीफ कर अपनी तकदीर की, आई थी मिलने अमृत बाबू से और मुलाकात हो गई अपने काका से। कितनी बड़ी हो गई। हाँ जीती रहे। तू बातें क्या बना रही है, इसको अंदर ले जा और इसकी खातर बातर कर। और देख, जब तक बाजार से मैं वापस ना आ जाऊं इसकी भेंट भाट लेकर, तब तक इसे हिलने नहीं देना। बस जो समझ ले कि ये तेरी कैदन है। क्यों नहीं, हरियाणा में थोड़ा आ बेटा। अरे आ ना। जा बेटा, जा जा। देखिए सेठ दीनदयाल जी, मैंने आपको पहचान लिया और आपने मुझे। इससे ये तो मालूम हो गया कि हमारी नजर पीछे की तरफ देख सकती है। अब देखना यह है कि हम आगे की तरफ भी देख सकते हैं या नहीं।
मेरा ख्याल है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्द से जल्द और थोड़े से थोड़े लफ्जों में कह दो। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा वक्त बेफजूल जाया हो। लीजिए मैं आपको अपने सारे पत्ते दिखा देता हूँ। पहला पत्ता यह है कि आपका नाम कुंदन है, पुलिस आपके पीछे लगी हुई है और आप अपनी जान छुपाते फिर रहे हैं, कहिए ठीक है। दूसरा पत्ता? हाँ, दूसरा पत्ता यह है कि आपकी लाडली बेटी या पोती उम्मी, जिसे कि आप जबरदस्ती मेरे घर से उठा लाए थे, फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गई है। यानी कि वो मेरे घर में कैद है और उसकी जिंदगी मेरे हाथों में। मेरी बेटी तुम्हारे घर में कैद है? जाने दो, मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। तुम लोग जो मांगोगे मेरे बाबा तुम्हें दे देंगे। इतनी जल्दी क्या है मेम साहब, हमें ये तो पता लग जाए कि तुम्हारा बाबा तुम्हें छुड़ाने के लिए कितनी रकम देने को तैयार है। आई अब तुम बड़ी खुशी से चली जाना। हो अमृत बाबू आ रहे हैं। अमृत बाबू आ रहे हैं। अब देखते हैं तुम मुझे कैसे रोक सकती हो। चल चल, बड़ी आई है अमृत बाबू का रुबाब दिखाने वाली। शायद तू ये नहीं जानती कि हमारी एक आवाज पर अमृत बाबू का सफाया हो सकता है। माँ जरा सी बात देख, तू क्यों अपनी खोपड़ी गर्म करती है? तू जा यहाँ से, इसे मैं संभाल लूंगी। तू जरा चिंता ना कर, मैं इसे भागने नहीं दूंगी, मगर देर ना करना, मुझे अमृत बाबू को चाय पहुँचाना है। हाँ तू जा। हो तो बड़ी खूबसूरत नेम साहब, मुझ पर दया करो बहन, मुझे यहाँ से जाने दो। बोलो तुम्हें कितने रुपए चाहिए? अरे सेठ साहब, आपकी बेटी के लिए अगर मैं आपकी सारी दौलत भी मांग लू ना तो वो भी कम है, मगर मैं इतना बेइंसाफ नहीं हूँ। देखिए अभी कोई 5,000 रुपया अगर मुझ गरीब की झोंपड़ी में पहुंच जाए तो आपकी ओमी उछलती कूदती आपके महल में पहुंच जाएगी। और सुनिए सेठ साहब, बात यह है कि इसके बाद मेरी गरीबी ने अगर फिर मेरा गला दबाया तो मुझे महीने में 1-8 बार आपकी खिदमत में हाजिरी देनी पड़ेगी और आपको 2-4 हजार रुपए से मेरी मदद करनी पड़ेगी। इससे ये होगा कि आपके लिए जेल के दरवाजे बंद रहेंगे और मेरे लिए मेरी गरीबी के दरवाजे बंद रहेंगे। जी तो ये क्यों नहीं कहते कि मैं तुमसे डरता रहूं और तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए हर महीने 2-4 हजार की रकम देता रहूं? लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें एक पाई भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। भटको नहीं सेठ, भटको नहीं, पतीला उबलता है तो किनारे अपने ही जलाता है। मेहरबानी करके अपना रास्ता पकड़ो, गेट आउट। तू होती कौन है अमृत बाबू से मिलने वाली? कौन होती है तो किसी गरीब लड़की के मन की खुशी बर्बाद करने वाली, किसी के घर में आकर डाका मारने वाली? अरे मैं तो तेरी लाश को भी यहाँ से न जाने देती, मगर अमृत बाबू का ध्यान आता है कि कहीं वो मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए निकल भाग यहाँ से। अगर तू दूसरी बार यहाँ आई तो मैं तेरी टांग तोड़ के रख दूंगी। अगर तूने घूम कर देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी। आंखें क्या दफा हो यहाँ से। जरूर आएगा, कहने के तो कह दिया, निकल जाओ चले जाओ, मगर मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। दुखती रग पर नश्तर रखा था, तड़पेगा, भड़केगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मगर जोकू राम के पास आए बिना काम नहीं बनेगा। अभी तक नहीं आया, आएगा कैसे नहीं, जरूर आएगा, छक मार कर आएगा, सर के बाल आएगा। बाबा
बेटा तुझे तो जोकू ने कैद कर रखा था ना। हाँ बाबा, मगर मैं छूट गई। कैसे? ये मैं तुम्हें फिर बताऊंगी, अब यहाँ से भाग चलो बाबू, निकल चलो। बिहारी, ये सामान कहाँ जा रहा है? मालूम नहीं बिटिया रानी। बाबा कहाँ है? फोन कर रहे हैं। हेलो, जरा सेवक राम को बुला दो, मैं दीनदयाल हूँ। बेटा तुम ये अपना जरूरी असबाब बांध लो, हम आज जा रहे हैं। मगर बाबा, हमारा जहाज आज तो नहीं जाता। जहाज जाए या ना जाए, हम जा रहे हैं। मगर बात क्या है बाबा? ये मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। हेलो सेवक राम, देखो आज मैं मकान छोड़ देना चाहता हूँ। हाँ अभी इसी वक्त, आज शहर भर में दंगा मचा हुआ है और पुलिस का ध्यान भी उसी तरफ लगा हुआ है। देशवासियों, पुलिस चाहती है कि हम पुरमन तरीके से भी जुलूस न निकालें और अपने अपने घर लौट जाएं, मगर हम फैसला कर चुके हैं कि जुलूस निकलेगा, हमारा कौमी झंडा आगे बढ़ेगा और मौत के हाथ भी से न रोक सकेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज शहर में बहुत गड़बड़ है, पुलिस और कॉलेज के लड़कों में लड़ाई होने वाली है, अमृत बाबू खतरे में है। मैंने उन्हें बहुत समझाया मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। वो तुम्हारी बात मानेंगे, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बात कभी न डालेंगे। तुम उन्हें इस खतरे से बचाओ। तुम मेरा मुंह क्या तक रही हो? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो देखो ये अखबार, लिखा है अमृत बाबू पुलिस के हुक्म के बिना जुलूस निकालेंगे और पुलिस जुलूस को रोकेगी। जुलूस नहीं रुकेगा, पुलिस गोलियां चलाएगी, फिर क्या होगा, क्या होगा? कहाँ है वो? चल मुझे ले चल वहाँ। उमा, बेटी कहाँ जा रही है? बाबा वो खतरे में है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं तुझे वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो बाबा मैं आज्ञा के बिना ही चली जाऊंगी। बेटी ये तू क्या कह रही है? क्या तुझे मेरा जरा भी ख्याल नहीं? आखिर मैं तेरा बाबा हूँ। बाबा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सच कहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया का सामना करने को तैयार हूँ, लेकिन जहाँ अमृत बाबू की जान का सवाल है वहाँ मैं तुम्हारा भी सामना करने से पीछे ना हटूंगी। इस वक्त वो मौत के मुंह में, इस वक्त मेरी जगह उनके पास है। तुम समझते क्यों नहीं बाबा? मैं सब समझ गया बेटी, मेरे लिए संसार में सब कुछ तू ही तू है, मगर तेरे लिए संसार में सब कुछ तेरा बाबा ही नहीं, तेरे लिए संसार में कोई और भी है। बाबा वक्त गुजर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जान पर बन जाए और मेरा संसार काला हो जाए। बेटी मैंने तुझे बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि तेरा संसार काला हो जाए, तेरी दुनिया अंधेरी हो जाए। तुम क्या किया है बाबा? नहीं बेटा, अभी तेरे बाबा की हड्डियां इतनी कमजोर नहीं हुई है, तू अपनी लाडली बेटी को मौत के मुंह में जाने की आज्ञा दे और खुद चुपचाप यहाँ बैठा रहे। अभी इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं तेरे खाते सारे संसार से लड़ सकता हूँ, पुलिस की गोलियों और लाठियों के बीच में से अमृत को उठाकर ला सकता हूँ, जो हाथ मेरी बेटी के संसार को मिटाने के लिए आगे बढ़े उन्हें तोड़ सकता हूँ। हमारा नाका घेर लिया है,
मगर हम लोग चूहे नहीं जो बिलों में घिर कर मर जाएंगे। हम मरने से पहले उनका मुकाबला करेंगे। हम मरने से पहले बौद्धों को मार कर मरेंगे। बोलो साथी तैयार? तैयार। तैयार तैयार। आने दो, उन्हें रास्ता साफ नहीं मिलेगा और जो आएंगे उनमें से बहुत से वापस नहीं जाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब। जिंदाबाद। भारत माता की जय। आप क्या क्यों आए हैं? आप ये क्या खतरा? अगर मेरे लिए यहाँ खतरा है तो तुम्हारे लिए भी यहाँ खतरा है। मैं तुम्हें इस खतरे से निकालना आया। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपसे फिर कहता हूँ कि मैं देश सेवा से मुंह न मोड़ सकूंगा। देश सेवा का तुम्हारा ये तरीका गलत है। मैं देख रहा हूँ कि तुम मरने की बजाय मारने पर ज्यादा जोर दे रहे हो और हमारे नेताओं का अहिंसा का पाठ भूल रहे हो। हमारे नेता महात्मा है, हम महात्मा नहीं है। और जब हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले हमारे नेताओं को भी विदेशी सरकार ने पकड़ कर बंद कर दिया है तो हम क्या करें? सवाई उसके तो मरे भी और मारे भी। हमें मुबारक। हमने पहले ही कदम पर अपने दुश्मन को पकड़ लिया। शाबाश बागी कुत्तो, तुम मुझे पकड़ सकते हो, कानून को नहीं पकड़ सकते। कानून तुम में से एक एक को पकड़ेगा और एक एक को सजा देगा। अरे इसे खत्म भी करने की आज्ञा दीजिए सरदार, ताकि इसके किसी और भाई बंद की तरफ कृपा दृष्टि की जा सके। मेरे नौजवान दोस्तों, जरा ठहरो, ये मेरा अपराधी है, इसके साथ मेरा पुराना हिसाब किताब है, इसे मैं चुकाना चाहता हूँ, इसे मेरे हवाले कर। अमृत आगे बढ़ेगा। आज किस्मत ने कानून को एक अपराधी के हाथ में सौंप दिया। अब देर किस बात की है, अपना बदला ले ले अपराधी और जल्द इस कच्चे को खत्म कर। ऐसा ही होगा। मान गया, तुम पक्के बदमाश हो। गोली से मारने के बजाय छुरे से कत्ल करना चाहते हो। घूम जाओ, मेरे सीने पे वार कर। मैं इस छुरे को अपने सीने में उतरता हुआ देखने की हिम्मत रखता हूँ। मैं कहता हूँ अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो। कायर फुस्तिल। तुम तो मुझे मारना चाहते थे, तुम तो मुझसे बदला लेना चाहते थे। तुमने मुझे पहले भी नहीं समझा था, तुमने मुझे आज भी नहीं समझा। मैं तुमसे बदला लेना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मगर क्यों? मैंने कभी तुम पर रहम नहीं किया, तुमने मुझे जीवन दान क्यों दिया? इसलिए कि जिंदगी देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। मैं ये एहसान नहीं चाहता, मुझे खत्म कर दो। और अगर तुम ये समझते हो कि मुझे बचाकर तुम मेरे हाथों से बच जाओगे, तुम्हारी भूल है। तुमने इतनी बड़ी रिश्वत देकर मुझे खरीदना चाहा है, मगर मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। तुम ये क्यों समझते हो कि मैंने तुम्हें रिश्वत दी है? मैंने तुम्हें कोई रिश्वत नहीं दी, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, और न मैं तुमसे कोई रियायत मांगता हूँ। मैंने सिर्फ अपने दिल की पुकार सुनी और तुम्हें छोड़ दिया, सिर्फ एक ही उम्मीद पर कि तुम भी कभी अपने दिल की पुकार सुनोगे। अगर तुम्हारे पास दिल है तो। Oh!
कुंदन, मुझसे बचने के लिए तुम गंदे नाले में भी कूद पड़े, लेकिन देख लो आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मानता हूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन इससे पहले कि कानून की हथकड़ियां मेरे हाथों तक पहुंचे, मुझे इस नौजवान को घर तक पहुंचा लेने दो, और अगर इसका जीवन बच सकता है तो उसे बचा लेने दो। क्या करोगे इसका जीवन बचाकर? ये बागरी है, और आज अगर ये बच भी गया तो कल इसकी जगह फांसी के तख्ते पर होगी और इसके गले में मौत का फंदा होगा। इंस्पेक्टर शेर सिंह, तुम जीवन भर चलती फिरती मशीन ही बने रहोगे या कभी इंसान भी बनोगे? तुम्हारे सामने एक होनहार नौजवान बेहोश पड़ा है, इसका जीवन खतरे में है, और तुम इसकी मौत का जिक्र ऐसी बेपरवाही से कर रहे हो जैसे कोई किसी जानवर की मौत का जिक्र करे। इससे तो मालूम होता है कि भगवान ने तुम्हें इंसान का जिस्म दिया है, इंसान का दिल नहीं दिया, वरना तुम्हारा दिल कभी तो पिघलता और वो तुमसे कभी तो इंसानियत की बात कहता। सवाल ये नहीं कि मेरा दिल मुझसे क्या कहता है, सवाल यह है कि कानून क्या कहता है। मैं कानून का बंदा हूं, कानून जो कहेगा मैं उसके आगे सर झुकाऊंगा। कानून के सामने आदमी कोई चीज नहीं। ये न कहो इंस्पेक्टर, दुनिया की तारीख के वर्क उल्टो, और तुम्हें मालूम होगा कि आदमी कानून के लिए नहीं बना है, कानून आदमी के लिए बना है। कानून आदमी का शिकार करने के लिए नहीं बना है, कानून आदमी की सेवा और सहायता करने के लिए बना है। और सच पूछो तो सेवा और सहायता से बढ़कर दुनिया में और कोई कानून नहीं है। लेकिन इस नौजवान ने कानून को पांव तले रौंदा है, कानून इसकी क्या सेवा करेगा? मैं इसकी क्या सहायता कर सकता हूं? इसे सख्त सजा मिलेगी, बहुत सख्त। लेकिन सजा का सवाल तो उस वक्त उठेगा जब ये नौजवान बच जाएगा और कानून के सामने खड़ा होकर अपना बचाव कर सकेगा। जब तक इंसाफ इसे अपराधी करार न दे, उस वक्त तक ये उतना ही बेगुनाह है जितने तुम या तुम्हारा कोई जज। उस वक्त तक इसकी सेवा और सहायता करना हर इंसान का फर्ज ही नहीं, धर्म भी है। शेर सिंह, अगर तुम अपने सीने में दिल की जगह पड़े हुए पत्थर को भी पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही कहेगा कि कानून का सबसे पहला काम जीवन बचाना है, जीवन मिटाना बाद में आता है, कभी कभी आता है और सबसे आखिर में आता है। अपने नन्हे से दिल को परेशान न कर बेटा, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, गोली ने सिर्फ इनकी टांग को छुआ है। ये बच जाएंगे ना बाबा? बच जाएंगे ना? बच जाएंगे, जरूर बच जाएंगे, बचेंगे क्यों नहीं बेटा। जा तू ऊपर जाकर उनकी देखभाल कर, और सेवक राम तुम जल्द फोन करके डॉक्टर को बुला लो। इंस्पेक्टर शेर सिंह, तुमने इस मासूम लड़की की तरफ ध्यान की निगाहों से देखा, ये वही लड़की है जिसे उसकी बीमार मां से मिलाने के लिए एक बार मैंने तुमसे 2 दिन की मोहलत मांगी थी, मगर तुमने मुझे वो मोहलत न दी, और इसकी बदनसीब मां अपनी बेटी से मिलने का अरमान दिल में लेकर मर गई। आज फिर वैसा ही समय आया, मगर आज मैं तुमसे 2 दिन की मोहलत नहीं मांग रहा हूं, आज मैं तुमसे सिर्फ 2 घंटे की मोहलत मांगता हूं, और फिर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
बाबा इन्हें हो गया बाबा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। दोनों का ख्याल रखना और अगर मेरी गैर हाजिरी में वो मुझे पूछे तो मेरी तरफ से तसल्ली देना, कोशिश करना कि इन्हें कोई दुख न पहुंचे। अच्छा, अपनी जिद तो पूरी कर चुका, अब कानून की जिद भी पूरी कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। शेर सिंह, दीनदयाल तुम्हें याद होगा, एक दिन मैंने कहा था कि जिस दिन मेरे पांव कानून की राह में डगमगाने लगेंगे वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज वो दिन आ गया है। आज मैंने दो अपराधियों से न्याय किया है लेकिन कानून से अन्याय किया है और अब मैं इस अन्याय का प्रायश्चित करने जा रहा हूं। किस बात की माफी चाहते हो? पहले मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा, हमने तुम्हें माफ किया। सुन लिया उस्ताद, अब फेंक दो लाठी। मैं भी आपका गुनहगार हूँ, ये लाठी लीजिए और मेरी खोपड़ी सहला दीजिए। जाओ जोको, हमने तुम्हें भी माफ किया। माफ फिर करना, मैंने इसी कारण गोपाल की चमड़ी उधेड़ दी कि वो आपका मुजरिम था। हम मुझसे बिल्कुल रियायत ना कीजिए, हम लातों के भूत हैं, बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। ये लीजिए लाठी। और सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। वो तो ठीक है जी। हाँ सरकार, एक अर्ज करूं? कहो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, 200 रुपया अगर मिल जाए। ये तो तुम्हारा डीप का बन रहा है, खैर मिल जाएगा। ये बहारों के दिन ये सुहाना समा, अब तो सुन लीजिए प्यार की दास्तां। ये बहारों के दिन हाँ।